सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि मारू बोजू कैंडलस्टिक क्या होता है, कैसे इसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और कहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लास्ट तक देखना। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि अभी तक आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं इंट्राडे बेसिस पे वहाँ पे डेली अपडेट करते रहता हूँ, जो भी मेरा सेटअप होता है सारा कुछ वहाँ पे मैं अपडेट करते रहता हूँ। प्लीज़ आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ ही आपको कोई भी डीमैट अकाउंट खोलना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये जो अभी वीडियो बन रहा है इसका एक कंप्लीट सीरीज है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आई बटन के ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें मैंने सारा कैंडलस्टिक के बारे में कवर कर रहा हूँ और आने वाले टाइम में उसमें सारा जितना भी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है सारे को मैं कवर कर रहा हूँ, प्लस लाइव मार्केट के अंदर चार्ट के ऊपर दिखा करके। तो गाइज प्लीज उसको एक बार चेक कर लेना, उसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो चलो अभी वीडियो को देखते हैं। तो गाइज, जो मारू बोजू कैंडल होता है ये दो तरीके का होता है। एक आपको अगर रेड कलर का मिल रहा है, रेड में आपको मिल रहा है, तो ये एक बियरिश आता है, ठीक है, इसको हम बियरिश मारू बोजू बोलते हैं। और एक अगर आपको ग्रीन में मिल रहा है, अगर ये ग्रीन में मिल रहा है तो ये बुलिश मारू बोजू होता है। तो हम लोग इसमें बात कर रहे हैं बुलिश मारू बोजू के बारे में। तो अगर हम लोग बुलिश रिवर्सल में बात करें तो मान लो प्राइस डाउन ट्रेंड में था, अगर हम लोग को ये मारू बोजू कैंडल लोएस्ट पार्ट पे मिल जाता है, डाउन ट्रेंड के बाद ये मिलता है, तो यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा, जो कि हम लोगों ने सारा जितना भी अभी बुलिश कंटिन्यूएशन है उसमें हम लोगों ने बात किया, बुलिश रिवर्सल में बात किया उस चीज़ को। तो यहाँ से सेम अगर इस टाइप का कैंडल आपको लोएस्ट पार्ट पे मिलता है तो आपको यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा। लेकिन ये कैंडल होता क्या है, देखो ये जो मारू बोजू कैंडल है ये एक मतलब एक बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल अगर आपको ग्रीन में मिल रहा है तो बुलिश कैंडल, इसका कोई भी शैडो नहीं होता है, लोएस्ट पार्ट पे कोई भी शैडो नहीं होता, अपर पार्ट पे भी कोई भी शैडो नहीं होता है। ऐसा आपको रियल मार्केट के अंदर ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको मतलब रियल मार्केट के अंदर आप जाकर के देखोगे चार्ट को, अगर बैक टेस्ट करोगे तो ये आपको शायद ही एक दो बार दिखे। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि बुल्स पूरा टोटली कंट्रोल हो गए इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आपको इसको डायरेक्टली ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो आपको इसमें थोड़ा बहुत क्या मिलेगा, एक नीचे में थोड़ा बहुत अगर आपको रिजेक्शन मिल सकता है, या फिर अपर साइड में इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे देखोगे तो अपर साइड में भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे रिजेक्शन मिल सकता है। तो आपको कंप्लीटली जो डायग्राम में दिख रहा है इस टाइप का कभी भी नहीं मिलेगा चार्ट के अंदर, जो आपको डायग्राम में यहाँ पे देखो डायग्राम में जो आपको दिख रहा है ये कभी भी आपको चार्ट के ऊपर नहीं मिल पाएगा। अभी हम लोग इसको चार्ट के ऊपर देखते हैं कि ये कैसा दिखता है और किस किस टाइप का ये दिखता है। सो गाइज, अगर आप इसको चार्ट पे ढूंढोगे तो चार्ट पे आपको ये किस टाइप का दिखेगा, ये परफेक्टली नहीं दिखेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे एक दिखेगा कि यहाँ पे एक बुलिश मारू बोजू कैंडल है, लेकिन इसका भी ऊपर के साइड में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे रिजेक्शन है। तो ये आपको शो कर रहा है कि ये परफेक्टली कभी नहीं दिखेगा, लेकिन आपको इसको ढूंढना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा इसमें मतलब एक्सपीरियंस जैसे जैसे होते जाएगा आप इसको परफेक्टली ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखो लोअर साइड में एकदम ही नहीं है, मतलब ना के बराबर यहाँ पे कोई भी विक्स है, तो ये आपको क्लियरली शो कर रहा है कि ट्रेंड अब यहाँ से चेंज होने वाला है। जैसे कि प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन नीचे के साइड में बन रहा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही एक कैंडल यहां पे एक बना यहां से प्राइस ऊपर चला गया। तो देखो इसके बेसिस पे आपको ट्रेड कैसे लेना है, देखो ट्रेड लेने के लिए हो सके तो आप यहां पे जब आपको मतलब इसमें अगर आप वेट करते हो 50% के आसपास वेट करते हो तो ये मोस्ट ऑफ द केस में नहीं आएगा 50%, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसके अंदर बायर्स जब भी बायर्स का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है तब ये कैंडल बनता है। तो यहां पे आप देखोगे तो आपको इसके ऊपर बाई करना है, हाई के ऊपर बाई करना है यहां पे। अगर आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना तो 50% के थोड़ा नीचे आप जाकर के स्टॉप लॉस लगा सकते हो। देखो एक्चुअल में स्टॉप लॉस आपको यहां पे लगाना चाहिए, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस थोड़ा लो के नीचे लगाना चाहिए, लेकिन इस टाइप के कैंडल में अगर मान लो कि 50% के नीचे आ रहा है तो चांसेस होता है कि फेक आउट होकर के प्राइस फिर यहाँ से फॉल कर जाएगा। तो मैं इसलिए आपको सेफर साइड में बोल रहा हूँ कि आप 50% के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या फिर अगर आप बिगिनर हो और अभी मार्केट के अंदर नए आए हो तो आपको इसको लो के नीचे थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस जाकर के लगाना चाहिए। तो ये थोड़ा बड़ा आएगा लेकिन हाँ रिस्क फ्री रहेगा, तो यहाँ से एक्यूरेसी भी आपका मेंटेन हो सकता है। तो मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इस टाइप के कैंडल के साथ 50% के आप नीचे थोड़ा जाकर के स्टॉप लॉस लगा सकते हो, क्योंकि इस टाइप के केस में अगर मान लो कि यहाँ से 50% नीचे आ रहा है तो प्राइस फिर यहाँ से फेक आउट करके प्राइस नीचे फॉल कर जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में इसके बारे में था, हम लोगों ने देखा मारू बोजू कैंडल के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।